से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हमारे चैनल में बार बार हर रोज एक टिप्पणी आते हैं, तुम लोग मूर्ति पूजक हैं, तुम लोगों के चर्च के अंदर कितना मूर्तियां रखा है। इसके बाद उसी के अनुसार अनेकों बाइबल का वचन डाल करके कैथोलिक के लोग मूर्ति पूजक है ये स्थापित करने का प्रयत्न करने वाले एक ग्रुप है। कुछ जवाब दे करके उनको जब शांत करते हैं तो दूसरा ग्रुप आते हैं, या दूसरे नाम से आ रहा हो, कुछ भी हो, कैथोलिक कलीसिया के ऊपर मूर्ति पूजक बोल करके बार बार वार करने वाले कुछ लोग हैं। मैंने इसी चैनल के अंदर अब तक कई क्लास इसके ऊपर डाल चुका है, बता करके दिया, कई रूप से कई उदाहरण के द्वारा बता करके दिया। कैथोलिक कलीसिया में जो मूर्ति रखा है वो पूजा के लिए नहीं, वहां पर कोई मूर्ति पूजा नहीं चलता है। इसलिए आज के क्लास में फिर से मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं, ये जो टिप्पणियां लिखने वाला सबसे पहले समझ ले मूर्ति पूजा किसे कहते हैं, क्या कोई मूर्ति बनाकर रखा इसे मूर्ति पूजा कहते हैं? नहीं है। मूर्ति बनाना बाइबल के अनुसार पाप नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाने का आदेश दिया है। ईश्वर ने स्वयं मूर्तिकार को वो कला वैभव दिया है, तो मूर्ति बनाना पाप नहीं है, मूर्ति को रखना पाप नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? बाइबल के अनुसार ही सबसे पहले हम लोग उसको सीखेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 को आप लोग बार बार डाल रहा है, उसी को सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। अपने लिए कोई मूर्ति बनाना नहीं, यह नहीं बोला, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, अपने लिए कोई ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना। क्या कारण है? उसको देखने के लिए डिट्रोनमी चैप्टर 4 वर्स 5 है, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 को पढ़ लेते हैं। देवमूर्ति क्यों नहीं बनाना ये बोला, वहां पर लिखा है, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, मूसा से बोल रहा है, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, ईश्वर ने तुमसे बातें की लेकिन तुमने ईश्वर की कोई आकृति नहीं देखी। क्या कारण है? ईश्वर आत्मा है, आत्मा का कोई आकृति नहीं है। और थोड़ा सा इसीलिए तुम सावधान रहो। वाक्य 16:16, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ। यहां पर देव मूर्ति बोलने रहा है, यहां पर किसी भी प्रकार की तुम मूर्ति अपने लिए नहीं बनाना, ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना पृथ्वी के किसी पशु, ना आकाश में उड़ने वाले पंखदार किसी पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाली किसी जंतु, और ना पृथ्वी पर के जलाशयों के किसी भी जीव जंतु की।
किस किस का नहीं बनाना है, ये सब लिखा है। ना मनुष्य का, ना पुरुष का, ना स्त्री का, ना किसी जानवर का, ना आकाश के किसी पक्षु का, ना पृथ्वी पर रेंगने वाली किसी प्राणी का, आप किसी भी वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना। किस चीज को बोलने के बाद 15वां वाक्य से ये जुड़ा हुआ है, ईश्वर की आकृति तुमने नहीं देखा। ये ईश्वर बोल करके तुम ना किसी पशु का ना मनुष्य का रूप नहीं बनाना, बना करके ये ईश्वर कर करके बोल करके उसकी आराधना पूजा नहीं करना। और साथ ही साथ वाक्य 19 में भी लिखा है, सूरज चंद्रमा नक्षत्रों को आकाश मंडल को सब देख करके आनंद तुम्हें खुशी मिलेगा, वो ईश्वर है बोल करके उसका सामने दंडवत नहीं करना, उसकी तुम पूजा नहीं करना। किसी भी प्राणी मनुष्य व्यक्ति का तुम किसी मूर्ति बना करके उसको ये ईश्वर बोल करके उसकी आराधना नहीं करना, क्योंकि तुमने ईश्वर की आकृति रूप नहीं देखी। ईश्वर ने कोई देव मूर्ति ना बनाने का आदेश देने का पहला कारण मेरे विचार में आपको समझ में आया, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, उसका रूप नहीं देखा, तो कौन सी रूप में तुम बनाओगे, ये है पहला कारण। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा, निर्गमन ग्रंथ का ही अध्याय 20 का वाक्य 4 का थोड़ा सा और आगे है। वहां यहां पर जो लिखा हुआ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4, 15, 16 के अंदर लिखा हुआ, उससे थोड़ा सा बढ़कर के निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 के अंदर हमें मिलेगा। इसके बाद प्रभु कहते अपने लिए कोई देवमूर्ति नहीं बनाना बोलने के बाद आगे बोलते हैं, ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी स्थल पर, या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। देखो यहां पर बोला है मूर्ति भी नहीं, चित्र तक नहीं बनाना। इस आदेश के अनुसार चित्र भी नहीं बना सकता, किसी पेड़ पौधे का, किसी चिड़िया का, या किसी मनुष्य का, कोई भी वस्तु का आप चित्र नहीं बना सकते। यदि इस आदेश के अनुसार, मैंने एक क्लास डाला था, कौन सही में मूर्ति पूजक है, क्या कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक है या प्रोटेस्टेंट लोग करके, मैं इसी वचन को पकड़ करके ये साबित किया था कैथोलिक लोगों को अनुमति है मूर्ति बनाने का, कलीसिया से अनुमति मिला हुआ है। इवन ईश्वर का मूर्ति, यहां पर बोला देव मूर्ति मत बनाओ, इस अध्याय 20 का वाक्य 4 को कैथोलिक कलीसिया ने रद्द कर दिया है। अब ईश्वर की मूर्ति बनाओ कर करके अनुमति मिला, क्या कारण है, ईसा मसीह में हमने ईश्वर का रूप देखा, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक है। ईसा मसीह में हम लोग ईश्वर को देखते हैं, इसीलिए पुराने विधान के अंदर देव मूर्तियों को ना बनाने का जो आदेश है अब रद्द हो गया, क्योंकि हम ईसा मसीह को देखा है, ईसा मसीह में ईश्वर को देखा है, इसलिए ईश्वर का मूर्ति आज बनाने का अनुमति भी है। अभी यहां पर लिखा हुआ है चित्र तक नहीं बनाना या मूर्तियां नहीं बनाना, इसका क्या मतलब है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ये ईश्वर है बोल करके यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है वो पाप करता है। ये लोग जो मूर्तियां बना करके देवी देवताओं का मूर्ति बनाता है और उसके सामने दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो ईश्वर कर करके जो बताते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 32 एक्सडस चैप्टर 32, उस समय पर हमें मालूम है मूसा नबी
प्रभु से बातें करने के लिए जब पर्वत पर था, लोग उनके इंतजार करते रहे क्योंकि वो 40 दिनों तक वहां रहा। लोग जो हारून के चारों ओर इकट्ठे हो गए, उनके विरोध करने लगे, हल्ला मचाने लगे, जो मूसा हमें लेकर के आया वो कहाँ गया, और उनको उन्हें नहीं दिख रहा है। इस प्रकार जो बोल करके उन लोग हंगामा करने लगे, हल्ला करने लगे। तब हारून ने क्या किया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 2 को पढ़ते हैं। इस पर हारून ने उनसे कहा, अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों और अपने पुत्रियों के कानों की सोने की बालियां उतार कर मेरे पास ले आओ। इसलिए सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर और सांचे में डालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। तब लोग कहने लगे, इसराइल यही तुम्हारा वह देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लाने वाला वो देवता यह है, बोल करके उस बछड़े का, वो जो सोने का बछड़े का जो मूर्ति है उसको दिखाया। इसके बाद लोग यह देख करके वेदी बना रहे हैं और ऊंचे स्वर से उसकी जय जयकार कर रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, उसकी आराधना करना शुरू किया। उस बछड़े को ईश्वर मान करके उसकी पूजा किया। यहां पर गलती किया। अब एक और बछड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। जब सुलेमान ने ईश्वर के लिए मंदिर बनाया, राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 7 में, फर्स्ट किंग चैप्टर 7 वर्स 23 से लेकर के 39 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर कई मूर्तियों को बनाने के विषय में लिखा हुआ है। उसमें 12 बैलों को उस मंदिर में बनाया, 12 बैलों को। और वाक्य 36 में जाइए, वहां पर लिखा है किरीबों को, सिंह को, खजूर का वृक्ष, और जो बछड़ा है, बैल है, इनका आकृतियां वहां पर बनाया कर करके। तो ये यरूशलेम मंदिर में ये सब बनाकर रखा हुआ था। वहां पर ईश्वर के आदेश के अनुसार ये मंदिर बनाया और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जितने भी ये कलाकृतियां बनाया था, मूर्तियां केरूबों का हो या सिंह का हो या बछड़ा हो, बैलों का हो या खजूर, ऐसे ऐसे मूर्तियां आकृतियां वहां पर बनाकर रखे थे। खत्म नहीं हुआ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में ईश्वर ने कहा, कोई भी ऐसा मूर्ति नहीं बनाना। और विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4, 15, 16 में भी हम लोगों ने देखा, किसी भी प्रकार का आकृति नहीं बनाना। तो निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 25 एक्सोडस चैप्टर 25 वाक्य 18 में डायरेक्ट जाना चाहूंगा, क्योंकि 25 का वाक्य 10 से मंजूषा बनाने के विधि ईश्वर ने स्वयं मूसा नबी को सिखाया, ऐसे ऐसा बनाना, उसका वाक्य 18 में जाते हैं। पूरा पढ़ते पढ़ते बहुत समय लगे। वहां 18वां वाक्य 18, चादन फलक के दोनों ओर सोने से घड़े दो केरूब बनाओ।
किसका बनाना है? सोने का दो केरूब, अर्थात दो केरूबों का मूर्ति। अभी एक महिला ने कुछ सवाल किया था, ये केरूब क्या है करके। मैंने स्वर्ग दूतों के विषय में एक क्लास डाला है, उसके अंदर कई ग्रुप के जो स्वर्ग दूतों के विषय में मैंने सिखाया था, स्वर्ग दूत क्या है, क्या करता है, कितना गण है, ऐसे ऐसा कर करके उनका जो रैंक वाइज ये सब, ईश्वर के जो महिमा में के सामने प्रस्तुत कुछ स्वर्गदूत होता है कार्य करने वाला, उनमें एक ये किरूब भी है। उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम लोग किरूब को देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, ईश्वर कहते हैं किरूबों को बनाने के लिए। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 80 वाक्य 2 में, साम चैप्टर 80 वर्स 2, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर स्वर्ग दूतों पर विराजमान होता है करके। साम चैप्टर 80 वर्स 2, तू जो इसराइल का चरवाहा है हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्ग दूतों पर विराजमान है। तो इस प्रकार स्वर्ग दूतों पर विराजमान ईश्वर को प्रकाशना ग्रंथ को भी हम लोग साथ साथ पढ़ करके जा रहा है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर स्वर्ग का वो जो दृश्य हम लोग को जो मिला था, वहां पर स्वर्गदूत है, संत लोग है, निरंतर प्रभु की स्तुति करता हो, ये सब हम लोगों ने बताया था। तो इस प्रकार का स्वर्ग का वो जो दृश्य यहां पर मंजूषा में, स्वर्ग का एक प्रतीक है, जो यरूशलेम मंदिर है उसमें भी जो अधि पवित्र स्थान जो मैंने, वो स्वर्ग का प्रतीक है। वहां पर जैसे स्तोत्र 80:2 में लिखा हुआ है, वो स्वर्गदूतों पर विराजमान ईश्वर है, यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने स्वयं कहा उस स्वर्गदूत का, केरूब स्वर्गदूत का है, स्वर्गदूत उसका मूर्ति बनाओ। अब स्वर्गदूत आत्मा है, जैसे ईश्वर आत्मा है दिखता नहीं है, उसी प्रकार स्वर्गदूत भी आत्मा है, वो आत्मा दिखता नहीं। अभी हम लोगों ने डीट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 में प्रभु का नियम ये था, तुमने मुझे नहीं देखा इसलिए तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे। मेरी मूर्ति ईश्वर का मूर्ति इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि तुमने मेरे रूप नहीं देखा। अभी केरूब वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, उसका मूर्ति बनाओ कर करके लिखा हुआ है। अभी देखो बाइबल पंडित लोग इस केरूब के विषय में कहीं अपना मत रखा हुआ है। कोई कहते हैं वो बाइल के समान है, कोई कहते हैं वो मनुष्य के समान है, कोई कहते हैं वो सिंह के रूप में है, लेकिन यहां पर जो वर्णन किया हुआ है उसमें पंख होना चाहिए, इसलिए कई जगहों पर बाइल को पंख दे करके उसको केरूब बोल रहा है, कई जगह पर एक मनुष्य का रूप बना करके उसको पंख दे करके उसको केरूब बोल रहा है। देखो केरूब को देखा नहीं बल्कि उसका प्रतिमा बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए ईश्वर ने स्वयं कहा, यहां पर लिखा हुआ है, चादन फलक के दोनों ओर सोने के गड़े केरूब को बनाओ। इसी केरूब यरूशलेम मंदिर में भी कई जगहों पर बना कर रखा हुआ था। तो केरूबों की मूर्ति बनाना इसका मतलब ईश्वर की ओर से पाप नहीं है। एक और देखते हैं, जब हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 21 को पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 21 नंबर्स चैप्टर 21, कई बार ये सब बता चुका है,
इसराइली लोग ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में मुनमनाने लगे, तो विषैले सांप को ईश्वर ने भेजा, सांप उन्हें डसने लगे, अनेकों लोग सांप के डसने के कारण मरने लगा। तब इसराइली लोग पश्चाताप करते हुए मूसा नबी के पास आकर के बोल रहे, हमारे लिए प्रार्थना करो। देखो यहां मध्यस्थ प्रार्थना, लोग ईश्वर के पास जाकर के नहीं बोल रहे हमें क्षमा करो, लोग मूसा के पास आकर के बोल रहे तो हमारे लिए प्रार्थना करो, हमने गलती किया, हम अपने गलतियों को स्वीकार करते। किसके? मूसा नबी से कहते हैं, लोगों ने गलती किया, वो गलती किसके पास आकर के स्वीकार कर रहा है? मूसा नबी। कई लोग बोलता है ना, एक ही मध्यस्थ है ईसा मसीह, उसके अलावा कोई मध्यस्थ नहीं है। देखो अब मूसा नबी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? हम लोग डायरेक्ट जाते हैं वाक्य 8 में, गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 और 9 को पढ़ने जा रहे हैं। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 और 9, वहां पर लिख क्या है, प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांब बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। जब सांप काटेगा, तुम लोगों ने गलती किया इसलिए सांप आया, सांप काटेगा तो गलती स्वीकार करके ईश्वर की ओर जाना, ईश्वर को देखना चाहिए। लेकिन यहां ईश्वर कहते हैं तुम्हें सांप काटा इसलिए सांप का एक मूर्ति बनाओ, ढेंडे में उसको लटका करके समुदाय के बीचों बीच में पकड़ कर रखना। इसराइली लोग जाते वक्त मरुभूमि में यात्रा करते वक्त उनके लोगों के बीच में ये ढेंडा और ये सांप का मूर्ति पकड़ता था, जिसको भी सांप काटा वो तुरंत उस मूर्ति की ओर देखता था। जितने लोगों ने उस मूर्ति की ओर देखा वो सब के सब ठीक हो गया, वो मरा नहीं है। यहां पर लिखा है जिस दृष्टि डाले वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांब बनवाया और उससे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांब काटता था तो वह कांसे के सांब की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। बाबरे, देखो चंगाई तक मिलने लगी। अब आप बोलोगे ये तो ईसा मसीह का प्रतीक है। बिल्कुल, सांब ईसा मसीह नहीं, लेकिन सांब को जो लड़काया वो पाप का प्रतीक, पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर लड़कर अपना प्राण अर्पित कर संसार को पाप से मुक्ति देने वाला ईसा मसीह का एक प्रतीक को इजरायली लोग निर्गमन जो मरुभूमि यात्रा जो चल रहा था उस समय पर वहां दिखाया। लेकिन उन लोगों को विचारों को क्या मालूम था ये मुक्तिदाता का चिन्ह है? वे लोग तो केवल सांप को देखकर के चंगाई प्राप्त कर रहा था। उन लोगों को किसने बताया ये आने वाला मसीह है? किसी ने नहीं बताया, कहीं भी बाइबल में नहीं मिलेगा। ये जो टिप्पणी लगाने वाले लोगों का बाइबल में इसका मतलब है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन हमारे कैथोलिक लोगों का बाइबल में है, प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर है। आप लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों को मालूम है उसके विषय में। छोड़िए, अब यदि सांप कांसे का सांप को देखकर वे लोग चंगाई हो गया, हम लोग उसको क्रूसित प्रभु का प्रतीक मान रहे, चिन्ह मान रहे, हम लोग ही मान रहे। आप बोल रहे हो वो मूर्ति नहीं है, वो चिन्ह था ईसा मसीह का। चलो भाई, हम वो चिन्ह मान रहा है, तो मेरा सवाल यह है, आपने कलवारी पहाड़ पर रक्त बहाकर मानव जाति को उद्धार देने वाला मसीह को कलवारी पहाड़ पर लड़कता हुआ आपने देखा, उस मसीह का उत्क्रूषित रूप यदि आज बनाएगा तो क्या गलती है? ये तो कांसे के सांप उसका चिन्ह को देखकर चंगाई प्राप्त कर सकता। आज कलवारी पहाड़ पर
हमारे लिए प्राण अर्पित करने वाला उस मसीह का एक मूर्ति क्रूसित रूप बनाकर रखने में क्या गलती है? बोल सकता है भाई? यदि ये मूर्ति पूजा नहीं है, यदि ये मूर्ति नहीं है, ये चिन्ह है, तो मेरे प्रभु कलवारी पहाड़ पर जो थड़प थड़प करके मेरे लिए प्राण अर्पित किया, उस मसीह का आदर सम्मान, उस घटना को याद करने के लिए यदि मैं एक क्रूसित रूप मेरे पास, मेरे घर में, मेरे चर्च में रखूंगा, तो उसमें गलती क्या है? यदि कांसे का सांप वो चिन्ह है, क्या मसीह का क्रूसित रूप ये बताकर के नहीं दे रहे आपके लिए मरने वाला मसीह कितना कष्ट पीड़ा सहा था? यदि उसकी ओर देख करके, सांप को देख करके वो चंगाई प्राप्त करता, उस मसीह का एक्चुअल रूप को देखकर क्या मैं चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता? कुछ जवाब है? इसका मतलब ये है, मूर्ति क्या है? मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है, उसको आप ईश्वर मान रहा है। जो ईश्वर नहीं है, जिसको आप ईश्वर बनाकर रखा है। आपके जीवन में पहला स्थान किसको दिया? यदि धन है, पैसा के लिए आप ये सब कर रहा है, आप मूर्ति पूजक है। आप किसी व्यक्ति के कारण, किसी के साथ ज्यादा प्यार है, क्रिश्चियनिटी को भी छोड़ करके जाने वाले लोग हैं, अन्य किसी मनुष्य के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, अपना ईश्वर को भी त्याग करके जाइए। मेरे से लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वो लड़का और लड़की आपके लिए मूर्ति है। आप प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करता। आप बोल रहा है सब कुछ ये बाइबल है, बाइबल है, बाइबल है बोल करके बैठ रहा है, आपके लिए वही मूर्ति है। ईसा मसीह ने जो वचन, जो जो शिक्षा दिया, उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, केवल एक किताब दिखा करके बोल रही है ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, 16 स्क्रिप्चुरा, वो आप मूर्ति बनाकर रख रहा है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ वो वचन के अनुसार आप जी नहीं रहा है, उसमें विश्वास नहीं कर रहा है, केवल उसको दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये मूर्ति पूजा है। किसी आदरणीय व्यक्ति का मैंने इसलिए कई बार उदाहरण के तौर पर बताया, महात्मा गांधी का, हमारा भारत देश का झंडा, उस झंडे के सामने हमें सलूट करना है, हमें सावधान रहना है। हमें ऐसे महान व्यक्तियों का, जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ, ऐसे वीर जवानों के सामने हाथ जोड़ना है, उनका मूर्ति बनाया हुआ है, उनका आदर सम्मान करने का, रेस्पेक्ट करने का एक तरीका है। ये बोलना बहुत गलत है, कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति रखा है, कैथोलिक कलीसिया उन मूर्तियों का पूजा नहीं करते, बल्कि वो मूर्ति जिसका है, फिर से सुन लीजिए, कैथोलिक कलीसिया में जितना भी मूर्तियां रखा हुआ है, वो मूर्ति का पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए। आप बोलेगा कैथोलिक लोग जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, जोड़ता है भाई, हाथ जोड़ते हैं बिल्कुल, किसके सामने? वो मूर्ति जिसका है उसके सामने हम लोग हाथ जोड़ रहा है। उस मूर्ति आपको दिख रहा है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर खिचड़ भरा हुआ है। इसी वजह से हम लोगों के लिए जो मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहा है, हम लोग के लिए वो मूर्ति जिसका है उसके सामने हम लोग हाथ जोड़ता है। यदि हम उसके सामने नमन कर रहा है, हम उस व्यक्ति के सामने नमन कर रहा है,
यदि इस सांब के कांसे के सांब के सामने इसराइली लोग उनकी ओर देख करके नमन किया, उसके द्वारा उनको चंगाई मिला, वो अगर एक प्रतीक मात्र है, क्या किसी संत का वो प्रतीक वो रूप जिस तरह उन्होंने जो सेवा कार्य के जो कर्म किया उसके अनुसार वो मूर्ति बनाया जाता है, किस प्रकार उनका मृत्यु हुआ उसका एक चिन्ह होगा, या उनका दर्शन लोगों को जो मिला है उसका चिन्ह होगा। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का जीवन के कई घटनाएं मूर्तियों में या फोटो में हम लोग देखते हैं, वो उनकी उस मूर्ति का नहीं बल्कि उस मसीह ने जो कार्य किया उसको बताने के लिए वो मूर्तियां हैं। यदि मूर्तियां लेकर के हम कंधे में लेकर के जा रहा है, बिल्कुल भाई हम अपने प्रियजनों का फोटो हमारे पॉकेट में डाल करके घूम रहा है, वो उनका पूजा करने के लिए नहीं है, उनके प्रति हमारा भक्ति आदर प्यार दिखाता है। अब आप लोग स्वयं, मैंने निर्गमन ग्रंथ 20:4 को पढ़ करके देना सुनाया, वहां पर लिखा है कोई चित्र नहीं बनाना। क्या आप चित्र नहीं बनाते? आपका आइडेंटिटी कार्ड में आपका फोटो है कि नहीं? बाइबल के अनुसार तो मना है। आप अपने प्रियजनों का फोटो रखा है कि नहीं? बाइबल के अनुसार वो भी गलत है। किसी भी व्यक्ति का चित्र तक नहीं बना सकते, आप बनाया है। जो आप कर रहा है गलती नहीं, जो कैथोलिक कलीसिया कर रहा है वो कैसे गलती हो सकता है? प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में मूर्ति रखने वाला प्रोटेस्टेंट भी है। मैं बता दूं, आप लोग कैथोलिक कलीसिया से एक पुरोहित बाहर निकला उसको बड़े भयंकर आदर सम्मान देता है, मार्टिन लूथर को, एक ही ज्ञानी व्यक्ति है उसी के ऊपर आप लोग सब फिदा है, बाकी सब हम लोग अनपढ़ है, एक व्यक्ति बुद्धिमान था वो कलीसिया से निकल गया। पूरे जर्मनी के अंदर आप बता सकते हैं मार्टिन लूथर का कितना मूर्तियां रखा हुआ है, पूरे जर्मनी के अंदर, क्योंकि मार्टिन लूथर जर्मनी का है। मार्टिन लूथर का कितना मूर्तियां हैं आप थोड़ा गिनती करके बताएंगे? मूर्तियां नहीं बनाना ना, तो मार्टिन लूथर का मूर्तियां कैसे हैं? मार्टिन लूथर का मूर्तियां कुछ चर्चों में रखा हुआ है, कुछ म्यूजियम में रखा हुआ है, पब्लिक प्लेसों में रखा हुआ है, जगह जगह ये मार्टिन लूथर का मूर्ति कैसी है? यीशु का मूर्ति बहुत पावा है, गलत है। मार्टिन लूथर का वो बुद्धिमान व्यक्ति का मूर्ति कौन बनाया? कैथोलिक कलीसिया तो नहीं बनाया ना, क्योंकि कलीसिया से निकला हुआ व्यक्ति है, उनका तो मूर्ति कैथोलिक कलीसिया नहीं बनाएगा। किसने बनाया? सबसे पहले उनको निकाल दीजिए ना, इसके बाद कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में उंगली उठाना। तो बाइबल के अनुसार मूर्ति ईश्वर के स्थान पर किसी को आप रखा है, चाहे कोई देवी देवता हो, क्या पशु पक्षी हो, कुछ भी हो जिसकी आप पूजा कर रहा है, किसकी आप आराधना कर, जिसको ईश्वर मान रहा है, जो आपके जीवन में पहला स्थान जिस वस्तु को व्यक्ति को दे रहा है, वो सब आपके लिए मूर्ति है। बाइबल के अनुसार ये जो बछड़े का मूर्ति या किरूबों का मूर्ति या किसी संत का मूर्ति या प्रभु यीशु का मूर्ति, इसको मूर्ति, हाँ वो मूर्ति है लेकिन वो पूजा करने के लिए नहीं रखा है, वो केवल उनका आदर करने के लिए रखा है, इसलिए बाइबल के अनुसार वो पाप नहीं है। क्योंकि यरूशलेम मंदिर में चाहे बेचड़ा हो, चाहे गरीब हो, किरूब हो, चाहे सिंह का हो, जो मूर्तियां रखा, जो फोटोज रखा था, जो भी कलात्मक रूप था वहां पर,
वो पूजा के लिए नहीं था, उसको सुसज्जित करने के लिए, शोभा देने के लिए, या उस जगह को उस अवस्था जो स्वर्ग का, जो करूब होगा, जो स्वर्गदूत होगा, उस माहौल को बनाने के लिए वहां पर वो बनाकर रखा। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया में भी संतों का मूर्ति हो, स्वर्गदूतों का मूर्ति हो, या यीशु का मूर्ति हो, वो स्वर्गीय अनुभव में लोगों को लाने के लिए ही बना कर रखा है, उसका पूजा करने के लिए नहीं। मैं तीन शब्द को भी सिखाया था, लैटिन भाषा का तीन शब्द, दूलिया, हाइपर दूलिया, लैट्रिया। सीखना है इस शब्द को, तीन शब्द है, दूलिया, हाइपरदूलिया और लैट्रिया। कैथोलिक कलीसिया जानते हैं दूलिया माने आदर देना, किसको किस प्रकार का, किस लेवल का आदर देना है वो कैथोलिक कलीसिया जानते हैं। इसके बाद एक हाइपरदूलिया, विशेष आदर, वो केवल माता मरियम के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो ईश्वर की मां होने के कारण, वो एक सह मुक्तिदायिका होने के कारण, मुक्ति कार्य में ईसा मसीह के जन्म से लेकर कलवारी पहाड़ तक का कार्य में वो सम्मिलित होने के कारण उसका विशेष एक आदर देता है, इसको हाइपरदूलिया कहते हैं। अब ईश्वर को जो आराधना देता है, आराधना केवल ईश्वर को देता है, ईश्वर को देने वाला वो आराधना ना माता मरियम को देता है, ना किसी संधु को देता है। संधु को और जो माता मरियम को दूलिया और हाइपर दूलिया देते, आराधना केवल ईश्वर को देता है, किसी मूर्ति को आराधना नहीं करता। वो ईश्वर को देने वाला शब्द है लैट्रिया, वो मनुष्य के हृदय से निकलने वाला वो जो आराधना भक्ति, उसको कहते हैं ये लैट्रिया। तो कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा के मत बोलिए, सबसे पहले सीख लीजिए मूर्ति पूजा क्या है, और बाइबल के अनुसार मूर्ति नहीं बल्कि देव मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति बना करके आराधना करने के लिए, या किसी भी चीज का ऐसा मूर्ति बना करके उसकी आराधना करने के लिए जो इस्तेमाल करता है, ये मना है। आखिर एक और बात मैं बोलकर के देता हूं, मेरा इतना उम्र हो गया, मैं जन्म से कैथोलिक कलीसिया का सदस्य हूं, आज तक मुझे किसी फादर ने या कलीसिया ने नहीं बोला जाओ माता मरियम का मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ो। क्या आपको कभी बोला है? हां, अनादर करना कलीसिया मना करते हैं। यदि आपको किसी मूर्ति के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़ना, उसका चुंबन नहीं करना, मत कीजिए ना, मत कीजिए, कैथोलिक कलीसिया नहीं बोलते आप इसका सामने हाथ जोड़ो, या आप उसका माला अर्पण करो, या आप जाकर के मूर्ति को चुंबन दो, ये कलीसिया नहीं बताता है। अगर आपको नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन अनादर मत कीजिए, किसी भी रूप, किसी भी पिक्चर भी क्यों ना हो, चाहे मैं बोलूंगा किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी का विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कार्य शब्द के द्वारा भी नहीं करना, उनका चित्र का, उनका पवित्र वस्तुओं का अपमान करना, यह बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा पाप है। यदि आप सोचेंगे हम उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, इससे बढ़कर के एक पाप नहीं है। बेशक संत पौलुस कहते हैं कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 8 को पढ़ना, वहां पर संत पौलुस कहते कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, केवल एक ही ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहां इस प्रकार संत पौलुस हमें सिखाते हैं, कुछ नहीं होते हुए भी उनका अनादर करना यह हमारा काम नहीं है। हम सबों के साथ प्रेम से रहना है, आदर करना है, और सीखना है क्या है, क्यों मूर्ति रखा है। यदि कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति रखा है वो आराधना के लिए नहीं, केवल आदर के लिए। आप बोलेगा हमारे लिए आदर की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति का जरूरत नहीं, हम ऐसे आदर करेंगे, हृदय में हमारा बसता है, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई, मत रखिए ना। कौन बोल रहा है रखने के लिए? नहीं बोल रहा है, मत रखिए।
आप ना फोटो रखो, आप ना कुछ चित्र बनाओ, कुछ ना बनाओ, आप ईश्वर की आराधना करो, दूसरों का आदर करो। जो रख रहा है गलत शैतान के साथ मिलकर के ऐसा बातचीत, अभी प्लीज आगे मत कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। करीबों में निवास करने वाले प्रभु, प्रभु ने हमें सिखाया केवल प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। हमारे ईश्वर जीवित ईश्वर है, हमारे साथ रहने वाला इम्मानुएल है, उनके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। उस ईश्वर को हम आदर सम्मान और आराधना देते हैं। लाट्रिया अन्य संतों को प्रभु के नाम पर जो शहीद हुए लोग, ऐसे लोगों का हम आदर सम्मान करते हैं। दूलिया और हाइपर दूलिया, निर्णय करें हम संतों का आदर करेंगे, माता मरियम का विशेष आदर सम्मान करेंगे, ईश्वर की हम आराधना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को